अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाजीरा ब्लॉग्स। आज मैं बना रही हूँ मटन तहारी। इसके लिए ये इन चीज़ों की ज़रूरत है। आधा किलो मटन लिया है शोल्डर का, और अच्छे से धो लिया मैंने। और आधा किलो बासमती चावल लिए हैं, आधा घंटे के लिए भिगो दिए हैं। और मसाला है, सूखे मसाले हैं, ज़ीरा एक छोटा चम्मच, एक तेज़पत्ता और दालचीनी, लौंग, इलायची, थोड़े से काली मिर्च, दो कटी हुई प्याज और तीन या चार हरी मिर्च क्रश की हुई, और एक छोटा कटोरी दही का। और सूखे मसाले हैं 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और नमक टेस्ट के मुताबिक, और रिफाइंड ऑयल और घी मैंने मिला लिया है 2 बड़े टेबलस्पून, और 2 टमाटर और 1 गाजर लिया है, अच्छे से धोकर कट कर लिया है, और 3 या 4 बीन्स लिए हैं, 1-2 छोटे आलू चॉप कर लिया है मैंने, और फ्रोज़न मटर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पुदीना थोड़े से पत्ते लिए हैं मैंने। पहला स्टेप है मटन को बॉईल करना। मटन ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 कटोरी जितना। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इसको देखिए इसको बॉईल करेंगे। 3 या 4 प्रेशर कुक देंगे। तीन या चार सीटी आने तक इसको बॉईल करेंगे। एक और इंग्रेडिएंट मैं भूल गई थी, वो है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। मटन मैंने चढ़ा दिया है, 4 सीटी आने तक कुक करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने कढ़ाई रख दिया है और 2 बड़े चम्मच तेल और उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है, और अच्छी तरह से गरम कर लेंगे इसको। अभी मैं ऐड करूंगी तेजपत्ता, जीरा और सूखे मसाले। प्याज ऐड करूंगी, इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हल्के से लाल करेंगे। आप मटन की जगह चिकन भी ले सकते हैं, और मैं बना रही हूँ राइस कुकर में। ये बघार लेते हैं पहले, बहुत आसान तरीका है। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहती हैं तो बर्तन में भी बना सकते हैं। देखिए सुनहरा रंग हो गया है। अभी ऐड करूँगी पुदीना, और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट।
देखिए मटन अच्छी तरह से गल गया है। मटन ऐड करेंगे, अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे इसको। अभी ऐड करूंगी सूखे मसाले, दही ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, अच्छे से भूनेंगे इसको। और सारे वेजीज ऐड करेंगे, आलू, गाजर और बीन्स, और फ्रोजन मटर या फिर फ्रेश भी ले सकते हैं आप। और आप थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर सकती हैं, आधा रस, मेरे पास अभी नहीं है। इसको 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और चेक करके देखिए नमक का ठीक है या नहीं, अगर कम हो तो ऐड कर लें। इसको अच्छे से मिला लें, मिनट तक भूनेंगे। देखिए मैंने 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अभी ऐड करूंगी चावल, आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास राइस कुकर ना हो तो इस पॉइंट पे आप 1.5 लीटर गर्म पानी ऐड करके दम पका लीजिए। देखिए कुकर में थोड़ा सा पानी रह गया था, वो भी ऐड कर रही हूँ। सब मिला के चढ़ा दूंगी मैं। ये 1 लीटर पानी है, देखिए ये राइस कुकर में मैंने चढ़ा दिया है। सब ऑन कर दूंगी और बटन दबा दूंगी और ये 15 मिनट के अंदर पक जाएगा, ये अब दम हो जाएगा और वॉर्म में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं दम होने के बाद। हाँ देखिए वॉर्म पे आ गया है और मटन तहरी रेडी है। अभी मैं ये ऑफ कर देती हूँ, अभी चेक करते हैं। देखिए मटन तहरी तैयार हो गई है, देखिए कैसे खुले खुले चावल हैं। इसको 5 मिनट के बाद डिश आउट करते हैं। चलिए डिश आउट करते हैं। देखिए ये एक मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, मटन तहरी, तो उनके लिए बनाया मैंने। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए मटन तहरी रेडी तैयार है। इसको आप
रायता के साथ सर्व कर सकते हैं।